जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पूरी कंट्री में इस वक्त चल रहा है और हमारे यहाँ जेएनजी यूटी में भी चल रहा है। इनिशियली जो 2019 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो 4 लाख से ज़्यादा जो है वो ऐसे हाउस होल्डर्स आइडेंटिफाई हुए थे जो कि जेएनजी के स्कोप में जो आते थे। तो इसमें से आज की डेट में अगर आप देखेंगे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 73% के करीब हमने जो है इसमें से कवरेज ऑलरेडी किया हुआ है और जो रिमेनिंग है उसका जो टारगेट हमें मिला है वो 31 दिसंबर 2024 तक मिला है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे इस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी जेएनके यूटी में ज़्यादा काम जो है हमारे ऑलरेडी चल पड़े हैं और रिमेनिंग वर्क्स पे अभी टोटल जो हमारा 6,000 से ज़्यादा काम है, 6,500 के करीब काम है उन पे इस वक्त एडवांस स्टेज पे काम जो है वो चला हुआ है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से हमारी इंजीनियरिंग टीम्स फील्ड में काम कर रही हैं तो 31 दिसंबर तक हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है कंसिस्टिंग ऑफ 3100 स्कीम्स जो है कम्प्लीट हो जाए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से और जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग या जो हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग गाइडेंस या जो भी टेक्निकल इनपुट्स थे तो वो सारे मिला करके अभी आज की डेट में हमारी पूरी उम्मीद है और हम पूरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मिशन जो है कामयाबी के साथ हम अपने टाइम पर कम्प्लीट कर पाएँ। नो डाउट देयर हैव बीन चैलेंजेस बट वी हैव सक्सेसफुली ओवरकम दोज चैलेंजेस, चाहे वो टेक्निक के हवाले से हों चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हों, तो वो सारी चीज़ें अब आज की डेट में स्ट्रीमलाइन हो गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट जीजीएम में फेज़ है वो है कि ये सारी स्कीमें जो कंप्लीट हो जाएंगी 3100 के करीब जो स्कीमें हैं तो ये अल्टीमेटली लोकल कम्युनिटीज़ को पानी समितीज़ के ज़रिए से जो है टेक ओवर करनी है, उन्हीं को इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो आगे बढ़ाना है और उसके लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम जो है पहले ही चल रहा है, सेंसिटाइजेशन सेशन चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे हाल ही में जो बैक टू विलेज प्रोग्राम 5 कंक्लूड हुआ उसमें 4,500 के करीब हमने एक्टिविटीज़ करी है जीजीएम से रिलेटेड, चाहे वो वाटर टेस्टिंग के हवाले से हो चाहे फील्ड किस टेस्ट किट्स के हवाले से हो या कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग ऑफ वुमेन हो उसके हवाले से हो, ये सारी चीज़ें हमने करी है ताकि ये स्कीमें हाँ जो पानी समिति है या लोकल कम्युनिटी है सक्सेसफुली टेक ओवर कर पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से या जिस तरीके से बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स उनका सपोर्ट मिला है जेजम को वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली आगे इस फेज़ को बढ़ाए जिसमें हमारी पानी समिति के लोग और हमारे लोकल कम्युनिटी के लोग इसको सक्सेसफुली टेक ओवर भी करें और आगे सक्सेसफुली चला पाएँ। आपके माध्यम से और आपके ज़रिए से मैं सिर्फ लोगों को यही गुजारिश करूँगा, ख़ासतौर से जो पानी समिति के लोग हैं कि वो जितने लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड ले लें, वाटर सोर्सेज के हवाले से उनको सेंसिटाइज करें और फिर जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेज हैं और उनके उनमें लोकल कम्युनिटीज़ का योगदान है या इसमें उनके ज़रिए से आगे जो है जुडिशियसली कैसे हम यूज़ करें और आगे वाले आने जनरेशन के लिए जो है इनको कैसे बढ़ावा दे दें। मुझे उम्मीद है कि पानी समिति के ज़रिए से लोगों में जागरूकता और भी आगे आने वाले दिनों में बढ़े और उसके हवाले से डिपार्टमेंट जो है वो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट ओवरऑल चाहे वो जेजम के ज़रिए से हो या जल शक्ति अभियान के तहत हो या बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसमें काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से भी जो है आगे आने वाले दिनों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी दिनों से जो है इस पर कोशिश जारी है और बहुत सारी जो वाटर रिसोर्सेज है या वाटर बॉडीज़ हैं वो रिजनवेट भी हुई है और रिट्रीव भी हो गई है और इस पर पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट के जरिए से अभी चल रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, इन रीसेंट कंक्लूडिंग बैक टू विलेज 5 रिगार्ड द मेजर एंगेजमेंट्स अराउंड 5000 एक्टिविटीज, एक तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए, और विंटर भी आ रहा है, विंटर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होते हैं ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए जैसा कि आपको पता है कि पूरे कंट्री में बैक टू विलेज एक यूनिक इनिशिएटिव है जो हमारी जेएनके गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट हुआ है और इसके नतायज काफ़ी अच्छे निकले। मैं भी एक प्रभारी अफसर हूँ एक पंचायत में, तो मैंने खुद वहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे देखा है कि ओवरऑल पहले फेज़ वन में
जब बैक टू विलेज वन हुआ था तो लोग जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस लेकर के या वहाँ जो ऑफिसर्स गए वो डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखते थे, लेकिन धीरे धीरे जितना इसके फेजेस और आते गए चीज़ों में क्लियरिटी आती गई और फॉलोअप के तौर पर अगर आप देखेंगे जो अभी तक चार फेजेस अब पाँचवा भी हुआ है, चार फेजेस में जो फॉलोअप हुआ है उसके नतीजे में मैंने देखा है कि 80% जो ऑलमोस्ट लोकल लेवल डिमांड्स थी वो पूरी हो गई है, जो बड़ी डिमांड्स थी उनकी प्लानिंग हो चुकी है और जो लोगों में इसके बारे में जो पॉजिटिव नो वो जो एक थिंकिंग आ गई है कि बैक टू विलेज का मतलब है कि सीनियर लेवल के लोग उनके पास आए, उनसे इनपुट्स लेने की जो गवर्नमेंट की डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो डिफरेंट स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है या गैप्स कहीं हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है। और झेझम चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है पूरी यूटी में अगर आप देखेंगे, और इसमें लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है जेजम को लेकर के, उनको शुद्ध और साफ पानी मिलेगा, घरों में मिलेगा, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया हर घर नल से जल मिलेगा, तो अब ये उस लेवल पे पहुंच गया है कि जहां लोग काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। और इस हवाले से जो अभी तक हमारे पास नतज आए हैं या जो इनपुट्स आए हैं काफ़ी इनकरेजिंग है, लोग सेटिस्फाइड हैं कि अभी तक जो काम हुआ है क्वालिटी के हिसाब से हुआ है और जो काम हुआ है ट्रांसपेरेंटली हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेजम में 100% के जरिए से जो है अलॉटमेंट्स होती है, पेमेंट जो है बिल्कुल क्रॉस चेक काफ़ी उसके जो है क्रॉस चेक होने के बाद होती है, इसमें मॉनिटरिंग जो है थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है, हमारे DPM यूज़ हैं या हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं चीफ इंजीनियर लेवल के कंसल्टेंट्स हैं जो क्वालिटी ऑफ वर्क देखते हैं, जो टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, तो उसके हवाले इसी भी फील्ड में काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। और जो हमने 4,500 के करीब जो एक्टिविटीज़ करी है उससे भी हमें पता है कि लोगों ने कितना जोश जज्बे के साथ और वल्लुले के साथ जेजम के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इट वाज रियली वेरी वेरी एनकरेजिंग। एंड जैसा कि आपने बताया कि विंटर्स या समर्स दोनों जो है पीने के पानी के हवाले से चैलेंज एरियाज़ होते हैं और आई एम श्योर कि जल शक्ति डिपार्टमेंट ने उसमें ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है एंड आई एम श्योर जो पहले विंटर्स में या समर्स में इस पर एक्शन प्लान उस पर काम हुआ है आने वाले दिनों में उसी तरीके से इफेक्टिवली इस पर काम होगा।